उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से फॉर्म में लौट आए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने तमाम मंत्रियों के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चूड़ियां कसनी शुरू कर दी है, तमाम मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर रिपोर्ट तलब कर ली है। अब जब मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी तो कई मंत्री अपना जवाब दे रहे हैं, अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मंत्रियों के साथ संगठन की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। इन सब के पीछे की राजनीति क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन हर बार की तरह मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में भाग दौड़ जबरदस्त तरीके से जारी थी और उस भाग दौड़ के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ा बैकफुट पर थे, ठीक वैसे ही बैकफुट पर थे जैसे योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर थे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी सिचुएशन को भांपा और अपनी बारी का इंतजार किया। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे दिल्ली दौरे के बाद, तो उन्होंने एक चिट्ठी जारी करवाई। चिट्ठी राज्य के सभी मंत्रियों को जारी की गई और मंत्रियों से पूछा कि आखिर आपने अपने काम की प्रगति अब तक मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय को क्यों उपलब्ध नहीं कराई है। अब यह एक ऐसा पत्र था जो मीडिया में बहुत कम वायरल हुआ, लेकिन राजनीतिक सर्कल में इसकी चर्चा जोरदार तरीके से शुरू हुई, ना सिर्फ सरकार के भीतर बल्कि संगठन में भी इस चिट्ठी की प्रतिक्रिया आई, इस चिट्ठी पर चर्चा होने शुरू हुई। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं, 2022 दिसंबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो मंत्री थे उनको एक निर्देश जारी किया और उनको कहा कि राज्य के जिस जनपद के आप प्रभारी मंत्री हैं उस जनपद में विकास कार्यों की स्थिति की आपको लगातार समीक्षा करनी है और उस समीक्षा की रिपोर्ट हर महीने मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करानी है। अब शुरू में तो जोश था, कई मंत्रियों ने अपने अपने प्रभारी जनपदों के दौरे किए, उसके बाद मामला पड़ गया ठंडा। अब इस समय मामला यह हुआ कि तमाम मंत्रियों की तस्वीरें दिल्ली से आने लगी, कौन मंत्री प्रधानमंत्री से मिल रहा है, कौन मंत्री किस दूसरे कैबिनेट मंत्री से मिल रहा है केंद्र के, कौन मंत्री संगठन के दूसरे बड़े नेताओं से मिल रहा है, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को असहज करने के लिए काफी थी, क्योंकि खबरें चलने लग गई कि उत्तराखंड में कुछ बड़ा होने जा रहा है, उत्तराखंड में बदलाव होने जा रहा है, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। इन खबरों को जाहिर सी बात है बीजेपी के ही कुछ लोगों ने बढ़ावा भी दिया और उसके बाद ये खबरें सोशल मीडिया पर खास तौर पर चलने लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली गए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात सिर्फ जल शक्ति मंत्री से ही हुई और उसके बाद वो वापस देहरादून आ गए, तो कयास ये भी लगने लगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय मांगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और प्रधानमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी को समय नहीं दिया है, जबकि धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सांसद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री मिले नहीं हैं, इसलिए इस खबर को थोड़ा और बल मिल गया कि उत्तराखंड में कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से हमने इस बारे में बात की कि आखिर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्या था, तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम प्रधानमंत्री से मिलने का था नहीं। वैसे मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम अक्सर होता रहता है, इस बार भी अगर रहा होगा और समय नहीं दिया होगा तो वो एक अलग प्रकरण है, लेकिन दूसरे तमाम बीजेपी के नेताओं को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने मौका दिया मिलने का, उससे इन खबरों को बल मिल गया कि उत्तराखंड में कुछ बड़ा होने जा रहा है। खैर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस आ गए देहरादून में और देहरादून में आकर उन्होंने अपने मंत्रियों से रिपोर्ट तलब की कि आखिर आप दिल्ली तो जा रहे हैं, सारे कामों की रिपोर्ट प्रगति आप दिल्ली में तो दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री मैं हूं, मुझे तो मालूम चलना चाहिए कि जो काम मैंने आपको दिसंबर 2022 में सौंपा था उस काम का क्या हुआ, वो प्रगति आपने अभी तक मुझे उपलब्ध क्यों नहीं कराई।
इसके बाद तमाम मंत्रियों की प्रतिक्रिया आई। कुछ मंत्रियों ने कहा कि हम अपनी रिपोर्ट लगातार भेजते हैं, कुछ मंत्रियों ने कहा कि हम आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लगातार दौरे करते हैं, कुछ मंत्रियों ने कहा कि हमने जनवरी तक अपनी रिपोर्ट भेजी है, कुछ मंत्री कुछ कहते हैं, कुछ मंत्री कुछ कहते हैं। यानी ये बात तो स्पष्ट हो गई कि कोई भी मंत्री लगातार अपने प्रभारी जनपद की प्रगति रिपोर्ट शासन को या मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध समय पर नहीं करा रहा है, और इसीलिए यह चिट्ठी जारी करनी पड़ी है। और चिट्ठी जारी करने का मकसद यह नहीं था कि मंत्रियों से उनकी परफॉर्मेंस पूछ ली जाए, बल्कि चिट्ठी जारी करने का मकसद सिर्फ ये था कि दिल्ली तो आप जाइए, लेकिन जो काम आपको उत्तराखंड में सौंपा गया है उस काम को पूरा कीजिए। उत्तराखंड का बॉस तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही है, ये एक अघोषित संदेश दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, जब ये चिट्ठी जारी की गई है तो इस चिट्ठी पर कई मंत्री असहज जरूर हो रहे होंगे, और इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने जब ये चिट्ठी जारी की होगी तो उससे पहले उन्होंने अपने जो वरिष्ठ हैं केंद्र में या दिल्ली में या संगठन में, उनसे उन्होंने राय मशविरा जरूर लिया होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से अगर कोई भी पत्र जारी होता है तो उस पर हमेशा ही नजरें लगी होती हैं और हर शब्द के मायने निकाले जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी चिट्ठी तमाम कैबिनेट मंत्रियों को जारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई तो उसके मायने तो और भी ज्यादा निकाले जाएंगे। अब देखना यह है कि कौन कौन से मंत्री मुख्यमंत्री की इस चिट्ठी के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे। और ऐसा बताया गया है कि सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल जो वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, भारी भरकम मंत्री हैं, उन्होंने ही अपनी रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराई है, और वो इस बात को बड़ा जोरदार तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि उन्होंने अपना काम ठीक तरीके से किया है जो निर्देशित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। अब वो खुद ये भी कहते हैं कि बाकी मंत्रियों को भी ये काम करना चाहिए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री की चिट्ठी जारी होने के बाद मंत्रियों का रवैया क्या रहता है, और संगठन ने जिस तरीके से अपने मंत्रियों का बचाव किया है यह भी बड़ा दिलचस्प वाक्य है। महेंद्र प्रसाद भट्ट जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि तमाम मंत्रियों की रिपोर्ट संगठन भी लेता रहता है समय समय पर, यानी मंत्री उनको अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराते रहते हैं। अब महेंद्र प्रसाद भट्ट को यह भी बताना चाहिए कि कौन से मंत्री ने कौन सी रिपोर्ट किस महीने में संगठन को दी है, ताकि तस्वीर थोड़ी सी और साफ हो जाए कि ये जो मंत्री मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप रहे हैं, उन्होंने संगठन में आखिर ऐसा कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिससे प्रदेश संगठन संतुष्ट हो गया। वैसे मामला सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई का है, कभी तू डाल डाल कभी मैं पात पात, इसी कहानी पर, इसी कहावत पर बात हो रही है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। अब देखना यह है आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की इस चिट्ठी के बाद किस तरीके का रवैया मंत्री लोग दिखाते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।